F9 पार्क में इस वक्त हम मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान यहाँ पर बड़ी तादाद में सावक वज़ीर आज़म की कॉल पर पहुँचे हैं। नौजवान बच्चे, बुज़ुर्ग, बड़े, ख़वातीन, तमाम किस्म के लोग यहाँ पहुँचे हैं। लेकिन मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं जो बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुँचे हैं, लेकिन पहुँचे हैं। क्यों पहुँचे हैं उनसे बात करते हैं। सर, बड़ी मुश्किल हुई होगी यहाँ पहुँचने में, झंडा आपने तहरीक इंसाफ का पहना हुआ है, क्या उम्मीद थी कल फैसले से और क्या लगता है कि ज़िंदगी में किस तरह से बदलाव आएगा? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल का फैसला भी अगर आप देखा जाए तो पिछले जितने डिस्क्लोज़ हो रहे थे वो फिर मज़ीद और डिस्क्लोज़ हुए इस फैसले की वजह से। सैटरडे को नहीं, आप मंडे और ट्यूज़डे को देखें, जो अपोजिशन ये ओपोनेंट जिन्होंने नून लीग जिसे या इम्पोर्टेड हुकूमत कहते हैं, उन्होंने आला अदलिया मतलब मुकद्दस जजेस के खिलाफ जो जो बयानात दिए वो सारों को पता चल गया। ये वही जजेस हैं जिन्होंने इनके हक के हक में फैसला दिया था अगेंस्ट इमरान खान, जिसकी वजह से वज़ीर आज़म नहीं रहे थे और ये इम्पोर्टेड हुकूमत हमारे ऊपर मुसल्लत कर दी गई थी। आज वही जजेस जो हैं उनको करप्ट लग रहे हैं, कम दर्जे के लग रहे हैं, उनकी कोई बता रहे हैं कोई 13वें नंबर पे हैं, कोई कहती है 30वें नंबर पे हैं। तो यहाँ नंबर्स तो नहीं होते, यहाँ तो वो है। अब आप देख लें, अल्लाह ताला जहाँ इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता कर रहे हैं और मज़ीद भी इंशाल्लाह पाकिस्तान के हक़ में होगा। और इमरान खान अपने लिए नहीं लड़ रहा, इमरान खान लड़ रहा है हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए। हम इमरान खान के साथ इसलिए हैं और ग्रेट इमरान खान के साथ। अच्छा, आपको क्यों लगता है, हम देखते हैं कि यहाँ पर तमाम लोग आए हुए हैं लेकिन आप यकीनन स्पेशल हैं, बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुँचे होंगे, क्यों लगता है कि आपके हकूक जो हैं वो इमरान खान की हुकूमत में महफूज रहेंगे? सर, मैंने पहले भी कहा था, मैं लास्ट टाइम भी आया था, मैंने ये रिक्वेस्ट की थी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से जो हमारी मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत है कि मैं व्हील चेयर पर हूँ, खुदाना खास्ता हमारा पाकिस्तान मुआशी तौर पर व्हील चेयर पर ना आ जाए। तो अगर आपको थोड़ा बहुत अभी इज़्ज़त पाकिस्तान का तो पाकिस्तान का नाम लेते हैं, अगर आपको इसका ख्याल है तो ख़ुद ब खुद साइड पर हो जाए। डॉलर कहाँ पहुँच गया है और आपको पता महंगाई की रेशो कहाँ से कहाँ पहुँच गई। ये गरीब इमरान खान को कहते थे, इमरान खान ने तो बेचारे लंगर खाने जो भी खोला हुआ था तो वो अपनी तरफ से गरीबों के लिए हुकूमत कर रहा था। कब से आ रहे हैं आप जलसों में खान? 2013 से आ रहा हूँ, यानी कि गुज़श्ता 11 साल से 9 साल से आप आ रहे हैं जी। जब से ये शुरू हुआ, शुरू इस टाइम हुए जो यहाँ पे धरना हुआ था। मुतमिन रहे आप जब खान साहब की गवर्नमेंट आई, आपको लग रहा था डिलीवर सही किया उन्होंने? सर, मैं दिल से आके खुश होता और मैं बच्चों की रिक्वेस्ट करता हूँ, ये बेचारे इनकी भी हिम्मत है कि मुझे यहाँ लेके आते हैं तो मेरा एहतजाज हो जाता है तो मुझे ये दिली खुशी होती है। आपके बेटे हैं आपके साथ? जी, बेटा है मेरा। इनके जी बेटे से बात करते हैं। वाले साहब, इस हालत में भी जो कि अल्लाह इनको से दे इधर आते हैं, आपको वो रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इनको ज़बरदस्ती लेके आओ या आपका खुद का दिल करता है? खुद का भी इनका दिल करता है, हमारा भी दिल करता है आने का, रिक्वेस्ट नहीं करते, हमारा भी दिल करता है कि इनको लेके आए, इनका ज़्यादा दिल करता। उन्होंने तो बता दिया कि वो क्यों खान साहब को सपोर्ट करते हैं, आपकी क्या वजह है? 2013 से हम भी इनके साथ ही आ रहे हैं। जो इमरान खान का मोटो है कि पाकिस्तान को एक अच्छी तरक्की करानी है, एक अच्छी जगह सेटल करना है पाकिस्तान को, उसी के वजह से आ रहे हैं, इमरान खान के साथ हैं हम। आप देख सकते हैं जी, ये नौजवान हैं, ये इनके वालिद हैं जो कि यहाँ पहुँचे हैं। बड़ी मुश्किल से यकीनन इनको मुश्किलात का सामना होता होगा जलसागाह में पहुँचने के हवाले से, लेकिन पहुँचते हैं। और आज कल परसों से नहीं बल्कि गुज़श्ता 9-10 साल से खान साहब के जो जलसे हैं वहाँ पहुँच रहे हैं ये साहब और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। जो साबिक वज़ीर आज़म हैं इमरान खान, उनके लिए जो इजहार मोहब्बत है वो करते हैं। और इनकी जानिब से ये वाज़ेह तौर पे कहा जा रहा है कि जिस तरह ये व्हील चेयर पर हैं, पाकिस्तान की जो मौशियत है वो भी व्हील चेयर पर है और इनको उम्मीद है कि इमरान खान जो हैं वो दोबारा से मौशियत को व्हील चेयर से उठाएँगे और चला के दिखाएँगे। जी।